सो व्हाट्स अप गाइस, अभी रात के 12:15 हो रहे हैं, 12:15। हमने प्लान किया रात को ट्रक करने के लिए। हाँ, रात को हम पहाड़ चढ़ने जाएंगे। आपको दिखा तो कहाँ जाने वाले, काफी खूबसूरत जगह सुना है। मैं पहला विजिट है उस जगह में, नंदिल्स नहीं जा रहे गाइस, एंड मैं आज से नंदिल्स गया भी नहीं हूँ। 1.5 साल हो गया बैंगलोर में रह के नंदिल्स नहीं गया हूँ। तो अभी जाते गेयर अप होते, मैंने कहीं पैकिंग कर ली अभी तो। एंड राइड के लिए मुझे चाहिए अपना राइडिंग जैकेट, क्योंकि काफ़ी दूर जा रहा हूँ एंड सर्दी बहुत है वहाँ पे जा रहा हूँ। तो राइडिंग गियर्स पहनते हैं, लेट्स गियर अप। तो आया और गियर अप, सही है। लॉन्ग बहुत टाइम बाद पहन रहा हूँ, इससे पहले मैं डी डूबे की राइडर पहना था, अब मैं गियर्स पहन रहा हूँ। तो चलते राइड पे, लेट्स अप। तो गाइस, अभी भी खबर मिली है कि हमारा पहला मीटअप एसटीएम मॉल के पास है, तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, फिर हमारा जो ग्रुप रहेगा फिर हम साथ में राइड करेंगे या ड्राइव, क्योंकि सुना है कि शायद कोई कार लेके भी आए हैं कुछ लोग। लेट्स सी, वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। तो ये है एसटीएम मॉल, ये मॉल मैंने कई बार देखा है पर नाम आज मालूम पड़ा है। एंड आई थिंक ये लोग है जो साथ में आने वाले हैं, काफी ग्रुप दिख रहा है। ओके, आई थिंक सो ओके, देयर आर टू मेनी कार्स टू कम विथ। तो हमें मिल लिए, मीटअप हो गया, अब सब साथ में मिलके जा रहे हैं। काफी कार्स है हमारे साथ, 5 से 6 गाड़ियां है एंड बस हम कुछ 5-6 बाइकर्स है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ट्रक। तो गैस, हम लोग आज नाइट ट्रैक पे, हमने रात में ये पहाड़ चढ़ना शुरू किया ऑलमोस्ट 4:30 के आसपास। काफ़ी लोग आ रहे पीछे एंड आपने व्यू देखा कुछ देर पहले, वो व्यू दिखाया मैंने। अब और ऊपर हाइट है चढ़ने की, आई होप आपको लाइट दिख रही है, ऊपर एक लाइट है, वो पॉइंट है जहाँ पहुँचना है हमको। काफ़ी लोग पीछे आ रहे हैं, अब और ट्रैक करना है मुझे, काफ़ी ऊँचा है। एंड आई होप सनराइज़ हो चुका है, क्योंकि लेट हो गए थे कि हम लोग पहले स्कंदगिरी गए थे, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो हमने सोचा एक अलग जगह पे आएंगे। ये जगह ही बहुत प्यारी है,
नो क्राउड नथिंग। तो इस जगह का लिंक आपको ट्राई करता हूँ डिस्क्रिप्शन में देने के लिए, होप कि गूगल इस स्पॉट को पकड़ ले, यहाँ सिग्नल आए। तो लेट्स कंटिन्यू द ट्रैक, ऊपर जाके ऊपर का व्यू देता हूँ आपको मैं, बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड अ लॉट। लेट्स ट्रैक। शायद वहाँ पे कुछ होगा या पॉइंट है वहाँ पे, वहाँ टेम्पल एक वो दिख रहा है आपको, वहाँ टेम्पल है, ये बिल्डिंग का हमें किया वाला। एंड व्यू देखो गाइस, व्यू दिखा था आपको, बहुत ही बढ़िया व्यू है लिटरली। नाइट ट्रैकिंग इज फन एंड यू नो वी हैव अ गुड एनर्जी। आई होप आपको आवाज़ सुनने में आ रही होगी, अभी काफ़ी विंड ब्लास्ट हो रहा है, आई होप आवाज़ क्लियर आ रही हो। पीक में पहुंच चुके हैं, ये चन्नागिरी ट्रैक था, इस माउंटेन का नाम चन्नागिरी है और पास में नंदी हिल्स है, ये नंदी हिल्स है एंड यहाँ हो रहा है सनराइज। एंड नंदी हिल्स में अब तक गया नहीं हूँ, 1.5 साल हो गए बैंगलोर में रह के, नंदी हिल्स को पास से ही देख के आया हूँ मैं। तो हम सोच रहे थे भाई ड्रोन उड़ाने के लिए, पर हवा बहुत तेज़ है, बहुत ठंडिया हुआ है, रात में अराउंड टेम्परेचर हो चुका था 7 डिग्री सेल्सियस एंड अभी हवा बहुत तेज चल रही है। तो ट्राई करता हूँ जितना हो सके व्यू दिखाने के लिए आपको, काफ़ी प्यारा व्यू यहाँ पे, इस जगह बेडशीट वाइट बेडशीट है, देखो पूरी वाइट बेडशीट लग रहा है एंड पूरा फॉग है एंड सुबह का मज़ा यही होता है पहाड़ से देखने का। चलो व्यूज़ दिखाने की और कोशिश करता हूँ आपको मैं, लेट्स गो। तो बस गैस हम चिल आउट कर रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखाई जगह कैसी है, सर्दी भी है तो हमने थोड़ा बॉन फायर का भी अरेंजमेंट करा है यहाँ पे
एंड बस अब ट्रैक डाउन करेंगे, चिल आउट करेंगे. ये स्पॉट भी सही है, इतनी हाइट पे, इतने बड़े पहाड़ पे एक पॉन्ड भी है एंड कुछ बना हुआ है, एक मंदिर भी है. तो गाइस प्लेस चिल आउट प्लेस है एंड यहाँ हर कोई आता नहीं है. स्कंदगिरी में आता है, नंदी हिल्स में आता है, ये पहाड़ में कोई मिला नहीं हमें. तो एक ग्रुप मिला एक्स्ट्रा और हमारा एक ग्रुप था. तो क्या अगर वीडियो एंजॉय किया आपने तो लाइक बटन दबाओ, शेयर करो एंड चैनल पर नए हो तो क्या सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट करो कुछ क्वेरीज इस बारे में, इस जगह के बारे में. एंड इस जगह के लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.